Okay, now I wanted to show you a spring balance. This is a spring balance. क्या measure करता है, किसके लिए बताया था आपको मैंने? Weight के mass. Weight. So it's a spring balance that is used to measure weight of an object. ठीक है, वही मैं बता रही हूँ आपको. If you see it clearly, यहाँ पे इसके अंदर एक spring है और मैं इसको पुल करूंगी तो स्प्रिंग गेट्स एक्सटेंडेड अकॉर्डिंगली द पॉइंटर मूव्स. ठीक है, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, तो ये वेट के लिए. हाँ, तो सपोज दिस वुडन ब्लॉक इज देयर और दिस पैन इज देयर. पहले पैन का मास निकालते हैं कि क्या कोई डिवीजन मूव करेगा. ये तो पैन जो है ऑलमोस्ट वेटलेस है, बहुत ही लाइट है ये ऑलमोस्ट. अगर अकेला पैन लटकाए ना तो कोई रीडिंग एप्रिशिएबल, एक डिवीजन कंप्लीट भी नहीं मूव करेगा. अभी तो इसके साथ ये कनेक्टेड है ना. हम पहले तो इसकी रीडिंग लेने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द लीस्ट काउंट. आर यू अवेयर ऑफ लीस्ट काउंट? मिनिमम रीडिंग अ डिवाइस कैन रीड, राइट डाउन. मिनिमम रीडिंग अ डिवाइस कैन रीड, that is called least count of a device. Yes, what happened? Least count. LC. We call it LC. It is the minimum reading. Write down the definition. Minimum reading a device can read. Minimum reading that a device can read. वो तो मैं आ रही हूँ उसपे, ये इन बिटवीन बता. सो दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट. मतलब कि इसमें इतनी सारी डिविजन्स हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिविजन? मिनिमम रीडिंग ये कितनी रीड कर सकता है लीस्ट काउंट? हाँ, मिनिमम रीडिंग अ डिवाइस कैन रीड, दिस इज प्रॉपर डेफिनेशन. ठीक है, या वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिविजन, वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिविजन. नाउ यू सी देयर इज अ स्लिट हियर, उसके बिहाइंड देयर इज अ, आई टोल्ड यू, स्प्रिंग. यहां पे हमारी रीडिंग न्यूटन में है, वेट निकालना ना हमने, वो राइट साइड पे दी हुई. लेफ्ट साइड पे ग्राम्स में भी रीडिंग है, बिकॉज दिस इज नॉट, दिस इज अ पॉकेट स्प्रिंग बैलेंस दैट इज यूज फॉर लैब पर्पस. अगर एक हमारे पास दूसरा स्प्रिंग बैलेंस हो प्रॉपर, वो सिर्फ न्यूटन में होगा, वेट ही होगा, इससे हम मास भी निकाल सकते. इट गिव्स अस रीडिंग इन ग्राम्स आल्सो. यस हरमीत कौर, व्हाट आर यू सेइंग? ये न्यूटन में रीडिंग दे रहा है ना, ये देखिए इधर न्यूटन, ग्राम में नहीं, हम इसको न्यूटन में रीड करेंगे. ठीक है, so how to read it? I am telling you the scale. So how we will, this way goes up to five newton it is going. Let us utilize the first portion, this much. How many small divisions are there? Count the number of small divisions between 0 and 1, 10. So 10 small divisions, unitary method simply. 10 small divisions are equal to how many newton? 1 minus 0, 1 newton. 1 small division will be 1 by 10 newton. So what is the least count? This one division, value of one division is called least count. So that means one division of this spring balance is giving us 0.1 newton. तो हम 1 न्यूटन, 0.1 काउंट करके रीडिंग ले सकते. ठीक है, देयर इज नो जीरो एरर. जब हमने कोई वेट सस्पेंड नहीं किया हुआ, इट इज पॉइंटिंग एट जीरो, नो जीरो एरर. नाउ आई एम गोइंग टू हैंग दिस वुडन ब्लॉक. तो अब आप बताइए कितनी डिविजन्स है यहाँ?
1.6. देखो यहाँ नहीं होता, अगर दो के बीच में है तो प्रीवियस डिवीजन इज सिक्स. पहले नंबर ऑफ डिवीजन बताइए कितना. फाइव के तो काफी आगे है ये, फाइव के बाद सिक्स, सिक्स और सेवन के बीच में, तो हम सिक्स लेंगे. देखिए तो कितनी होगी रीडिंग इसकी 0.6 न्यूटन. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग स्प्रिंग मास. आई जस्ट वांटेड टू शो दिस. नेक्स्ट वी वर डूइंग ग्रेविटेशन एंड वी वर डूइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रोटेशन ऑफ अर्थ. यस, रोल नंबर 16, 28, 41, 44. Variation in G with rotation of Earth. Right now, Earth is rotating or not? Yes. Rotate कर रही है. हाँ, तो आपको feel नहीं हो रहा because its acceleration with which it is rotating that is very very small. Right? Now, due to rotation of Earth also acceleration due to gravity changes. Small g changes, but इसका proof इसकी derivation syllabus में नहीं है. We will just discuss how it changes. So due to rotation of Earth, बताओ फिर क्या होता है? G decreases. तो ये third effect का name बताया था, उसकी variation कैसे है? Note that down. So due to rotation of Earth, small g decreases. इसका मतलब right now g decreased है. And if g has decreased, your weight is also less that you are feeling. इसका मतलब आपका जो weight है अभी आपको less feel हो रहा है. Your original weight is even more. Yeah, you know? Because of rotation of Earth, G is decreasing. So weight also decreases because of rotation of Earth. Who is talking here? So if Earth stops rotating today, what will happen to weights of objects present on Earth? They will, yes. Weight will increase to the normal value. अभी कम है. अगर अर्थ आज रोटेट करना बंद कर दे, then our weights will increase to our normal value. हमारा और हर ऑब्जेक्ट का वेट नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा. इट विल इंक्रीज. ओके, सो राइट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. राइट डाउन दिस कंसेप्चुअल क्वेश्चन. इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग टूडे, दिखा दिया था फोर्थ फैक्टर. हाँ बस यही. हाँ ठीक. अब फोर्थ फैक्टर
कौन सा था? ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ. शेप ऑफ अर्थ की वजह से यू नो अर्थ इज लिटिल फ्लैटर एट द पोल. ये पूरा स्फेरिकल नहीं है, ये थोड़ा सा पोल पे फ्लैटर है, यू नो दैट. सो बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अर्थ दिस इक्वेटोरियल रेडियस, ये इक्वेटर है ना, दिस इज इक्वेटर ऑफ अर्थ एंड दीज आर पोल्स ऑफ अर्थ. Suppose G at poles is GP and G at equator is GP. We want to compare both the accelerations due to gravity because of shape of Earth. You get up, shift to last bench. What is the formula of G that we derived? G ka formula kya hai? Gm upon R square. Let us use this formula to write GP and GE. Ye hai polar radius. So let us write accordingly. GP, aap yahan pe RP put karoge to GP ban jayega. And if you will write GE here, you will write RE here, equatorial radius. Fine? Haan, shape of it. Ye variation in G with shape of GP we have written using the same basic formula. GE we have written. Capital G and M will never change because they are constants. Divide now. Dividing. GM will get cancelled. GM cancel out ho jayega. We will get this ratio. We'll get this ratio. GM will get cancelled. Gravitation half chapter hi hai. क्यों आगे आ जाओ आप, यहाँ आ जाओ, सेकंड बेंच. हाँ लास्ट ही, ऑलमोस्ट फ्री फॉल है बस. नहीं ज्यादा लगा आपको, बस खत्म है, खत्म. अब कौन सा रेडियस ग्रेटर है? आर ई. आर ई इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस. ठीक है, सो अगर ये इससे ग्रेटर है तो दिस विल बी ग्रेटर देन दिस. If this is greater than this, ratio में ऐसे निकालते हैं ना, हम ऐसे decide करते हैं. If we have certain proportionality, and if this thing is greater than this, this will be greater than this. Since RE square is greater than RP square, therefore GP is greater than GE. That means acceleration due to gravity at poles is more than that at equator. Because of shape of earth, यहां से ये थोड़ी सी फ्लैटर है, ये देखो ऐसे थोड़ी सी, पूरी स्फेरिकल नहीं है, ये थोड़ी सी फ्लैट है. तो ये रेडियस इससे ग्रेटर नहीं है, ये पोलर रेडियस है, ये इक्वेटोरियल रेडियस है, तो आपको देखने पे ही पता लग जाएगा कि दैट इज ग्रेटर. ओके, सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Right now, just last topic is left, free fall. We have already discussed that when an object falls freely, it falls with acceleration due to gravity, right? And how will our equations of motion get modified? So during free fall, you will take u zero. If an object falls freely from rest, that means it is having u zero. Okay, you have to take care of certain points while doing numerical problems of free fall. आपने motion chapter में horizontal motion की थी ज़्यादा, table पे है,
कार है रोड पे जा रही है लाइक दिस, तो देन एक्सेलरेशन यू कैलकुलेटेड ऑल्सो. बट वेन वेन द मोशन इज वर्टिकल, मे बी डाउनवर्ड मे बी अपवर्ड, देन ग्रेविटी विल बी इन्वॉल्व, देन एक्सेलरेशन विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तब आपको नहीं भी गिवन तो आप खुद ही करोगे. सो फॉर डाउनवर्ड मोशन दिस इज बाय डिफॉल्ट द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग बिकॉज ऑफ पुल ऑफ अर्थ. सो फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन यू विल ऑलवेज टेक एक्सेलरेशन प्लस जी, यू विल टेक एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. माइंड इट इट वॉन्ट बी गिवन इन न्यूमेरिकल्स, कभी कभी गिवन हो सकता है जब वो कहेंगे कि टेक जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इफ इन न्यूमेरिकल स्मॉल जी इज नॉट गिवन यू विल टेक जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर योर सेल्फ. तो ये पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन इन विच अर्थ इज पुलिंग दैट बॉडी बाय डिफॉल्ट. बट इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी, सो फॉर अपवर्ड डायरेक्शन against gravity acceleration would be minus g. So numerical में आप minus 9.8 meter per second square use करोगे, इधर आपने plus 9.8 लिया. हाँ, because you know when an object falls freely तो इसकी speed increase होती है. So velocity increases with time. So acceleration is positive. It is accelerating. But when we throw an object in the upward direction, it will stop at the highest point. वहाँ पे V0 हो जाता है. We throw it with some initial velocity. So that velocity goes on decreasing with height. So it is retarding. For upward motion, the object is retarding when we throw it vertically up. Okay, fine. Is that clear now? तो न्यूमेरिकल्स में ये चीजें देखनी है. सो सी हाउ आर इक्वेशंस विल गेट मॉडिफाइड फॉर फ्री फॉल. आर इक्वेशंस ऑफ मोशन विल गेट मॉडिफाइड. हां जी, क्या गर्ल्स? यस, उन्यासा पूछना कुछ. तो व्हाट आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, कौन बताएगा मुझे? काव्या, टेल मी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. You came for the first time today offline. चलो, घर से बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे. बताइए, what are three equations of motion? First बताओ फिर. आप क्यों खड़े हो? First क्या है? I think recently you got 5/5, है ना? Test में कितने आए आपके? I have checked the test of online students as well. आप बताइए first equation of motion. आप बताओ v इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड बताओ, ये कौन सी क्वेश्चन? क्या लाउडर? हा, एक सेकेंड एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, बस इतना ही है. प्लस ए टी, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ए टी, ये कौन सी इक्वेशन? आई हैव नेवर हर्ड ऑफ. आप जो बातें करी जा रहे हो, हाँ जी, स्टैंड अप. Equal to what? S. So finally, first and second equation we got v equal to u plus a t, s equal to u t plus half a t square. एक सेकेंड है, ऐसे नहीं बोलना. थर्ड इक्वेशन आप बताओ. थर्ड आप बताओ. फाइव ऑन फाइव, चलो.
पता ही नहीं क्या हो रहा है। थर्ड इक्वेशन बताओ। चलो आधी उसने बोल दिया, आधी इसने बोल दिया। पेपर में आधी कौन बताएगा? थर्ड है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। आप देखो, सिट डाउन ऑल ऑफ यू। हाउ दीज इक्वेशंस गेट मॉडिफाइड ड्यूरिंग फ्री फॉल? एक तो u जीरो हो गया ड्यूरिंग फ्री फॉल और a इक्वल टू g हो गया। सर इक्वेशन गेट्स मॉडिफाइड v इक्वल टू gt। Suppose an object is falling freely. I am just giving you example. Object is falling downward freely. So u zero put करेंगे, a g put कर देंगे, ये बन जाए। How will the second equation get modified? अब s को भी हम क्या लिखेंगे? Height लिखेंगे। Now the distance will be equal to h height in all the cases. So it becomes h equal to zero plus half g t square. H is equal to half gt square. This will be how our second equation be looking like. H equal to half gt square. यहाँ से आप TV निकाल सकते हो, under root 2h by g. ये derivation नहीं है, वैसे ही है। आप मतलब numerical में step ऐसे कर सकते हो। I'm just giving you example. ये paper में नहीं आएगा आपको as such. Third कैसे होगा? b square minus 0 square equal to 2gh. a को g और s को h. So it becomes b square equal to 2gh. This is how our third equation will get modified. Is that fine? Anyone having NCRT? तो एक question करते हैं इस पे। So now our gravitation chapter is over. We'll be doing its exercise. पर कल हम लैब में जाएंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है? So what is the homework for you? You all complete this chapter in your copy, and I'll collect. You will collect your copies on Wednesday, on Thursday, ठीक है? वही जो physics की copy चली आ रही है same. कंटिन्यू इन दैट कॉपी। जो पहले से आपकी कॉपी थी फिजिक्स की, आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हो। उसमें दो ही तो चैप्टर थे। चलो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। एनी कॉपी, फेयर कॉपी। क्या सारे क्वेश्चन आप करते नहीं हो फेयर कॉपी पे? सारा चैप्टर करना है? Yes, write down. This is question number 14 of the main exercise. Question number 14 of main exercise hai ye. Or next week you all will bring your fair copies here. And directly you can do the exercise here in the fair copy. Yehi wali kaun si hai ye? Notes matlab fair copy jo physics ki. तो फेयर पे ही करते हैं ना सारा काम बच्चे। मैंने स्टार्टिंग से आपको यही कहा, फेयर कॉपी पे ही काम होगा आपका। ओके, लेट अस सी 14th क्वेश्चन। स्टैंड अप, स्टैंड अप। A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. Height of the tower is 19.6 meter. यहाँ से एक stone गिरा दिया हमने, ठीक है? Calculate its final velocity just before reaching the ground. So when it reaches the ground, what is its velocity? Final velocity, this we have to find. So अगर हमने इसको freely फेंका है, तो u must be zero. And how much will be the acceleration for downward motion?
plus 9.8 meter per second square. That will you will take yourself. It's not written in question. You have seen. It's not given in the question. हाँ चलो हम इक्वेशन तो दोबारा से ही लगाएंगे. तो वी कैन यूज थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच. वी हैव टू कैलकुलेट यू इज जीरो टू जी इज 9.8 एच इज 19.6. वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज वी स्क्वायर. जीरो स्क्वायर मतलब जीरो. Yes, you sit straight. इधर देखो. हाँ नंबर डाल. क्वेश्चन नंबर डाल. You come out. इधर आ जाओ. यहाँ क्या पूछ रहे हो आप मुझसे पूछो. वो क्या है आपके पास. तो मैंने जब यहाँ लिख दिया मेन एक्सरसाइज वो निकल ही सकती. उसमें हमें क्या जरूरत है. ऑलरेडी इतने कम मार्क्स हैं बच्चे. व्हाई आर लुकिंग हियर एंड देयर एंड टॉकिंग अगेन. यहाँ खड़े यहाँ से दिखेगा वहां खड़े. नाउ व्हाट इज दिस 2 इनटू 9.8 19.6 इनटू 19.6. ठीक है. सो वी स्क्वायर इज 19.6 का होल स्क्वायर. ठीक है. सो v इज 19.6 मीटर पर सेकंड. यू नीड नॉट मल्टीप्लाई ऑल द थिंग्स टुगेदर. ठीक है. उसको सभी को मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना फिर स्क्वायर रूट निकालते जाओगे. ठीक है. थिंक ऑफ इजी मेथड्स. सो v इज 19.6 मीटर पर सेकंड. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड वेलोसिटी एट द ऑन रीचिंग द ग्राउंड. किसको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन. दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू हैव डन इन मोशन चैप्टर बट देयर द मोशन वाज हॉरिजॉन्टल. कार मूविंग ऑन द रोड इन मोस्ट ऑफ द केसेस. यहाँ पे वर्टिकल मोशन होगी अपवर्ड या डाउनवर्ड. सो इट विल बी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. सो यू विल यूज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. इज दिस क्लियर. हाँ कर लो. If you have, you can do. Let us do another question now. Any doubt in this question? Yes. Question number 13. 13th question. Should I rub? Yes, ma'am. ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बना लिया करो. इजी रहता है. ये डायग्राम देखो मार्क्स के लिए नहीं है. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ऑलवेज ड्रॉ स्मॉल डायग्राम फॉर योर सेल्फ. आपको याद आ जाता है क्या क्या दिया कौन सी इक्वेशन. ऑलवेज ड्रॉ दिस काइंड ऑफ डायग्राम फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर टीचर. 13th है. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप. एक बॉल को ऊपर फेंका हमने. यू है 25 मीटर पर सेकंड. ऑब्वियसली कितनी वेलोसिटी से हमने थ्रो किया वो इनिशियल वेलोसिटी वो यू है. सो बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड. टेकिंग जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब उन्होंने दे दिया राउंड ऑफ करके. पर आप क्या लोगे -10. चलो कल करते हैं.